नमस्कार, स्वागत है आपका इट्स इन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ निशा कश्यप। प्राचीन काल से ही चली आ रही एक लाइन है जिसे हमारी माँ को उनकी सास ने और उनकी माँ को उनकी सास ने और उनकी भी माँ को उनकी सास ने ये बात तो जरूरी कही होगी कि बहू हमें बेटा ही चाहिए, क्योंकि बेटा कुल का दीपक होता है, वही हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। खैर, इस बात से औपचारिक रूप से तो हम आगे निकल चुके हैं, मगर हर किसी में बेटे को लेकर एक आस तो जरूर होती है। मगर ऐसी ही बहुत सी महिलाएं हैं जो अपनी ही तरह प्यारी सी बेटी चाहती होंगी। बेटे और बेटी के आस की होड़ में अक्सर एक माँ बेबस हो जाती है, क्योंकि एक माँ के लिए उनकी संतान उनकी जान और अभिमान होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी। मगर इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि एक बेटी की चाह में उनके परिवार वाले बाबा तांत्रिक जादू टोना टोटका जड़ी बूटी के चक्कर में फंसे रहते हैं, मगर अपनी बहू से ये नहीं पूछते कि तुम खुश हो या नहीं। आपने अपने आसपास प्रेग्नेंट महिला के परिजनों को ये भी कहते जरूर सुना होगा कि ऐसे समय यानी कि प्रेगनेंसी में खुश रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आपको इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह के बारे में पता है? अगर नहीं तो चलिए बताते हैं कि आखिर क्यों एक गर्भवती महिला यानी कि प्रेग्नेंट महिला को खुश रहने की सलाह दी जाती है और आखिर इस सवाल का कनेक्शन बेटे के जन्म से कैसे है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांडा स्पेन के मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टरों और साइंटिस्ट की एक स्टडी क्लिनिकल एंडोक्रोनोलॉजी नाम एक मेडिसिन जनरल में प्रकाशित हुई है। ये स्टडी कह रही है कि यदि गर्भधारण के समय और उसके बाद कोई महिला तनाव में रहती है तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वो एक लड़की को जन्म देगी। इस स्टडी में यूनिवर्सिटी ने 108 महिलाओं पर अध्ययन किया। प्रेग्नेंट होने से पहले और उसके बाद 12 हफ्तों तक उन महिलाओं को करीब से अध्ययन किया गया। इस स्टडी में शामिल डॉक्टर लगातार महिलाओं के मानसिक तनाव और अवसाद के बारे में मशीनों के जरिए जांचा करते हैं और उन्हें रिकॉर्ड करते रहे। तनाव के स्तर को जानने के लिए शरीर के हार्मोन्स का उतार चढ़ाव जांचा गया और मशीनों के जरिए माइंड मैपिंग की गई। साथ ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अलावा उन महिलाओं के बालों में कोर्टिसोल की मात्रा भी जांची गई। इस अध्ययन के नतीजे चौंकाने वाले हैं। जिन भी महिलाओं ने लड़कियों को जन्म दिया था उनके बालों में कोर्टिसोल का स्तर उन महिलाओं के से कहीं ज्यादा था जिन्होंने लड़कों को जन्म दिया। यानी जो महिलाएं ज्यादा तनाव और अवसाद में थी उन्होंने लड़कियों को और अपेक्षित खुशहाल महिलाओं ने लड़कों को जन्म दिया। वैज्ञानिक इस अध्ययन को दो तरह से व्याख्या करते हैं। हमें लगता है कि गर्भधारण के समय ही बच्चे का लिंग निर्धारित हो जाता है, वो पता हालांकि बाद में चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआती 10 हफ्तों में शरीर के उन अंगों का निर्माण हो जाता है जो दोनों जेंडर में समान होते हैं। उसके बाद विशेष अंगों का बनना शुरू होता है। इसीलिए इस पूरे दौरान माँ की मानसिक और भावनात्मक स्थिति का लिंग निर्धारण पर असर पड़ सकता है। दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं कि पुरुष के स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होते हैं और दूसरा जैसा कि हम जानते हैं कि पुरुष के स्पर्म में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं। एक्स क्रोमोसोम लड़की और वाई क्रोमोसोम लड़के के जन्म के लिए वजह होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक्स क्रोमोसोम की सर्वाइवल क्षमता वाई क्रोमोसोम के मुकाबले ज्यादा होती है। वह मुश्किल हालात में और तनाव की स्थिति में सर्वाइकल म्यूकस के रास्ते आसानी से अंडाणु तक पहुंच जाते हैं, जबकि वाई क्रोमोसोम रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। वैज्ञानिक इसकी और एक वजह बताते हैं। हमारे शरीर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस का सीधा रिश्ता तनाव से है। बालों का कोर्टिसोल स्तर भी इसी पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग से नियंत्रित और प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दोनों मिलकर सेक्स के समय शरीर में उत्सर्जित होने वाले सेक्स हार्मोन टेस्टेरोन की मात्रा को भी तय करते हैं। टेस्टेरोन की मात्रा बच्चे के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे अनेक कारण मिलकर काफी हद तक इस बात को निर्धारित कर रहे होते हैं कि होने वाले बच्चे का लिंग क्या होगा। लेकिन यह अध्ययन से इतना तो तय है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज्यादा मुश्किल हालात और तकलीफ के में भी सर्वाइव कर सकती हैं। इस अध्ययन को बड़े बोल्ड अक्षरों में छापकर उन लोगों तक भी पहुंचाना जाना चाहिए जो पुत्र पैदा करने के नुस्खे ढूंढा करते हैं। लेकिन यह अध्ययन से इतना तो तय है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज्यादा मुश्किल हालात और तकलीफ से भी सर्वाइव कर सकती हैं। इस अध्ययन को बड़े बोल्ड अक्षरों में छापकर उन लोगों तक भी
पहुंचाया जाना चाहिए जो पुत्र पैदा करने के नुस्खे ढूंढा करते हैं। जड़ी बूटियों बाबा फकीरों की फिराक में रहते हैं, उनसे कहा जाना चाहिए कि जड़ी बूटी और बाबा फकीर का तो पता नहीं, लेकिन अपनी पत्नी और अपनी बहू को खुश रखिए, क्या पता बेटा पैदा हो जाए। आपको यह जानकारी कैसी लगी अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें SNews। धन्यवाद।